बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर इलेवन बायोलॉजी पार्ट वन का और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी कन्वर्जन को समझा था मी टू से कि कैसे सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई इनटू केमिकल एनर्जी राइट ये कन्वर्जन ही बेसिकली फोटोसिंथेसिस थी और उसके लिए हमने यू नो वेरी वेल कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को समझा फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को समझा फिर हमने उसमें स्ट्रोम और ग्रेना की इंपॉर्टेंस को देखा और फिर हमने ये देखा कि कैसे जो ग्रेनम और हमारा स्ट्रोमा है ये मिलके सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इन टू ट्राइओज और उससे हम एक्सोजेस वगैरह प्रोड्यूस कर लेते right? तो इस टॉपिक पे हम एक और एनर्जी कन्वर्जन को समझेंगे कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी मींस हीट और वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं राइट स्टूडेंट्स तो इस लिए लेट्स मूव टू द्वाइट बोर्ड Yes my dear students, we have already started our lecture with the name of Almighty Allah and we want to see a Dua of the Holy Prophet that is Rabbe Ilma and you know we have already made what the learning objective of my students or we will first what is basically the topic. our topic is respiration or we will first reactions taking place in the body. और रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स तो उसमें आप सबसे पहले ही देख रहे थे आपने डिस्कस किया हमने रोस्ट्रम पेपर भी कि हमने सबसे पहले क्या किया लाइट uh, एनर्जी को यूज किया ठीक है और इस पर्टिकुलर लाइट एनर्जी को हमने किस पे फॉल करवाया था यू you नो know कि हमने इनको लीव्स पे फॉल करवाया और फिर हमने इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इनटू एटीपी और एन ए डी पी एच टू यू नो वेरी वेल बहुत दफा लास्ट सिक्स और सेवन लेक्चर्स में हमने बहुत दफा ये वाले वर्ड्स बार बार रिपीट किए ये रिएक्शन था हमारा लाइट रिएक्शन फिर हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था किसके अंदर इन टू डेफिनेटली ट्राई राइट और आपको ये बात पता है कि वो प्रोसेस जिसमें हमने ट्रायसिस को प्रोड्यूस किया था वाज़ बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट द केल्विन साइकिल हैं, इसमें हमने एक एनर्जी कन्वर्जन को समझा हमने एक केमिकल को दूसरी फॉर्म ऑफ केमिकल में कन्वर्ट कर दिया ये वाला प्रोसेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है हम उसे नाम देते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन एंड रिएक्शन और अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एनर्जी की बजाय हीट की सेंस में लें तो हम इसे एक और नाम दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन राइट एंडरगोनिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एंडोथर्मिक इन टर्म ऑफ हीट तो बहरहाल इस प्रोसेस के थ्रू हमने ट्रायोजेस को प्रोड्यूस कर लिया था और यू नो वेरी वेल कि हमने बाद में इस ट्रायोजेस से हेक्सोजेस और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के डाइसैकेराइड्स और फिर हम लोगों ने इवेंचुअली क्या बना लिए पॉलीसेकेराइड्स ये सारे के सारे रिएक्शंस एंडरगोनिक हैं इसके बाद हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये वाले मॉलिक्यूल हमारी लाइफ में किसी तरीके से किसी हमारी बचपन की एक्टिविटी से या बड़े एक्टिविटी से रिलेट कर रही है तो आंसर इज यस आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि छोटे होते हुए हम लोग वो मट्टी के बने हुए गले मनी बैंक से इस्तेमाल करते थे फिर उसके बाद हमारे पास थोड़े मेटल के बने हुए मनी बॉक्सेस आ गए और फिर जब हम बड़े हो गए तो हमने बैंक्स में जा कर लॉकर्स खरीदना शुरू कर दिए ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं बिकॉज कि हम अपनी एक जो बचत है या सेविंग है उसे कई जगह पर स्टोर कर सकें आप जरा मक्तु गौर से सुनिए आप फिर अपने बचपन में लौट जाए और उसी मट्टी के बने हुए गले के ऊपर वापस आए इस मट्टी के बने हुए गले में आप जितने पैसे डालेंगे जब मैं इसे पूरा भर जाने के बाद फोड़ूंगा तो क्या होगा जाहिर है जितने पैसे मैंने उस गले में डाले थे उतने ही पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे तो आप ये समझ लें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेकिन जब मैं क्या करूंगा students? जब मैं इस गले को फोड़ा तो मैं किस वक्त फोड़ूंगा तो आंसर यह मुझे पैसे चाहिए होंगे जो मैंने सेव करके रखे हुए थे तो सेम इजा के, से, के जब इन पर्टिकुलर कंपाउंड की हमें जरूरत होगी टू गेन द एनर्जी तो मैं इन्हीं गलों को फोड़ दूंगा इन्हीं मॉलिक्यूल्स को तोड़ दूंगा राइट उनके तोड़ने से अगर मैं उसे बहुत आ, बेसिक लेवल पे जाके बात करूं तो हम इसे बोलेंगे कि हमने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया जब मैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करूंगा ऑक्सीडाइज करूंगा तो वो एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स में ट्रैप हो गई थी बाहर निकल आएगी कैसे जैसे कि हमने गले को फोड़ के पैसे बाहर निकाले थे तो इस तरीके से ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स जो कि हम लोगों ने एंडरगोनिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के दौरान में बनाए थे जब मैं इन सारे के सारे मॉलिक्यूल की क्या करूंगा ऑक्सीडेशन मीन्स इसकी ब्रेक डाउन इसका मतलब हर चीज ये नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है नो इट सिंपल मीनिंग इज ब्रेक डाउन जब मैं इनको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास क्या ऑप्टेन होगा स्टूडेंट्स जाहिर है एनर्जी तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है डियर स्टूडेंट्स इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं यानी कि इस वाले केस में एनर्जी रिलीज हुई या मैं इसे हीट के टर्म में बोलूंगा तो क्या कहलाएगी एक्सो थर्मिक बिकॉज एनर्जी इज बींग लिबरेटेड ओवर हियर यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन एक्सरगोनिक रिएक्शन एंड एंडक्शन ठीक है अब अगले पेज पे अगर हम अगर आप अगले टॉपिक पे चले तो आप लोगों की बुक क्या कह रही है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को ब्रीदिंग और रेस्पाइरेशन में फर्क बता रही है ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन में फर्क बता रही अब आपने बात को जो गौर गौ से सुनना है कि ब्रीदिंग इज मेयर अ प्रोसेस महस मेयर का मतलब है महज वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप लोगों ने ओ टू को एब्जॉर्ब कर लिया और आप लोगों ने सी ओ टू को गिव ऑफ कर दिया मेन बॉडी में से बाहर निकाल दिया लेकिन ये बात ये बात याद रखें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ लंग्स

ये वाली ऑक्सीजन किसी सेल के पास जाएगी ये वाली ऑक्सीजन किसी सेल के पास जाएगी और सेल क्या करेगा सेल सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा यानी कि ये है एक्चुअली वो स्टेज के जहां पे रेस्पायरेटरी प्रोसेस हो रहा होता है और फिर ये वाला सेल क्या प्रोड्यूसर कर देगा मुझे सीओ टू जो वापस मेरे लंग्स में आ जाएगी और फिर हम इसे अपने लंग्स में से बाहर निकाल देंगे तो ये दो डिफरेंट फेजेस हैं उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है सिंपल ब्रीदिंग दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एज फॉर एज रेस्परेशन इज कंसर्न टेक्निकली इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व वट द इन टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड मेकिंग ऑफ वट एंड गिविंग ऑफ वट सी तो ये दो फेजे जो आप लोग है उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स के हम अंडरस्टैंड करेंगे द डेफिनेशन ऑफ वट ब्रीदिंग तो उसको हम यानी लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग तो आंसर उसका स्टूडेंट्स कि इट इज अ इट इज अ सीरीज ऑफ इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस मोर एप्रोप्रिएटली यू मस्ट राइट बायो ओवर हियर इट इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस यूज्ड यूज टू हार रेस्ट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और आपको पता है कि हमने ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कब बनाए थे जाहिर है डूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथसिस और हम एनर्जी उसमें से कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन राइट स्टूडेंट्स सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ

यानी कि इस मेथड से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम हमारे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम हमारे सारे के सारे प्लांट्स और हमारे सारे के सारे एनिमल्स एनर्जी को अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही होगी यहां मैं एक छोटी सी लाइन आप लोगों की नजर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर प्लांट को भी एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगा? वो कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट उस अपने ही बनाए हुए ग्रुकोज से डायरेक्ट एनर्जी ले सकता है तो आंसर इज नो उस पर्टिकुलर प्लांट को भी ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी पाथवे से गुजारना पड़ेगा

बोले इसको माइंड में रखिए और इस बात को भी माइंड में रखिए कि जो रेस्पिरेशन है ये ओनली वे है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स थ्री ऑर्गेनिज्म तक टू हार्वेस्ट एनर्जी आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है नेक्स्ट नाउ वी वांट टू सी द नीड एंड इंपॉर्टेंस नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट रेस्पिरेशन तो माय डियर स्टूडेंट्स पहली बात तो ये है कि जरूरत मुझे इसलिए है Need, need की बात हो रही है बिकॉज टू हार्वेस्ट एनर्जी ठीक है फ्रॉम फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की जितने भी मेरे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है मैं उनमें से एनर्जी को हार्वेस्ट करूं मीन्स निकाल लू ये तो मेरी पहली नीड है लेकिन सवाल यह है कि आखिर मैं एनर्जी को हार्वेस्ट क्यों करना चाह रहा हूं वाई तो उसका आंसर अच्छा ये है कि ये एनर्जी इस्तेमाल होगी इन डिफरेंट बायोकेमिकल समथिंग लाइक ग्रोथ। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आप लोग बहुत छोटे थे इस सारे के सारे ग्रोथ के प्रोसेस को जो चीज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड थी वो थी एनर्जी राइट फिर अगर हम उसके बाद चलेंगे तो हमारी मुलाकात कैसे होगी स्टूडेंट्स थर्मो रेगुलेशन के साथ थर्मो रेगुलेशन ऑल ये जो प्रोसेस है ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होता लेकिन दुनिया में कैटेगोरिकली दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं कि जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं यू नो वेरी वेल वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एव्स जिन्हें हम लोग बर्ड्स का नाम देते हैं एंड अदर वन आर मैमल्स जिनमें आप लोग भी शामिल हैं राइट right? तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की सहायता क्योंकि इन दो ग्रुप्स के पास है तो यही इस ए, ए, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यहां पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अब यहां पे भी देखें एनर्जी कन्वर्जन हो रही है कि के मैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू हीट एनर्जी राइट तो इस पार्ट के में हमने दो बातें समझनी है नंबर 1 के एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है और हमें सॉल्यूट करना है नेचर की स्टेबिलिटी को कि वो एज पर नीड कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है to to next thing. Next thing अगर आपको याद हो तो हमने में ये बात थी हमारी सारी की सारी ट्रांसपोर्ट पैसिव नहीं होती बल्कि बहुत से केमिकल रिएक्शन में जब हम लोगों को मूवमेंट करनी होती है मॉलिक इन साइड टू दउट साइड और आउट साइड टू द इन साइड तो वी द एनर्जी एंडिकुलरली यू नो वेरी वेल्टू मूव फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मूवमेंट करनी होती है तो फिर हम लोगों को एनर्जी चाहिए अगर आपकी बॉडी मेंोसेस ना हो तो बहुत से माइक्रोमोलिक्यूल्स आपके सेल में ही एंटर ना हो और इवन आप लोगों की सेल पर डेथ बहुत रेपिड हो जाए सो so, इवन आपके सेलुलर लेवल पे नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स ए टीपी मीन्स एनर्जी चाहिए

करने के लिए हमें बहुत बड़े गेट्स को ओपन करना पड़ता है बहुत से चैनल्स को ऑपरेट करना पड़ता है और उन गेट्स और चैनल्स के ऑपरेशन डेफिनेटली विदाउट एनर्जी नहीं हो सकती तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए ये तो आपको पता ही है कि हमें अपने इस अर्स पे अपने नंबर को मेनटेन रखने के लिए

उसको अपनी फूड बना ले, राइट right? तो एक ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म की जिंदगी वा है इट इज नॉट यूजलेस तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए भी हमें क्या चाहिए एनर्जी चाहिए राइट right? आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास दैट इज व्हाट टाइप्स नो वी वांट टू मूव टू द टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन आप लोगों की बुक ये बता रही है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास रेस्पायरेशन की दो मेन टाइप्स है वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एन एरोशन मुझे पता है स्टूडेंट्स एक वर्ड है लेकिन आप लोगों की कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए मैंने इसको दो वर्ड में लिखा है एन अलग लिखा है और एरोबिक अलग एन का मतलब होता है विद आउट विद आउट अब जिस पर्टिकुलर में इस्तेमाल नहीं होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे एन एरोबिक यानी कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एनर्जी को निकाल लूं विद आउट ऑक्सीजन तो वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एन एरो और जो दूसरी टाइप की रेस्पायरेशन है मेरे पास इट डिमांड्स ऑक्सीजन और नजर आ रहा है आप लोगों को कि हमने यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है एरोबिक इट मींस वी आर इन नीड ऑफ ऑक्सीजन हमें बिल्कुल जरूरत है ऑक्सीजन की और इसको हम बोलते हैं एरोबिक एरोशन अब कहाँ और कैसे किन हालात में एरोबिक रेस्परेशन हो रही है और किन में हो रही है उसके लिए मूव यस दू डियर स्टूडेंट्स हम अब इन, आ, उन कंडीशन हालात को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जिनमें दिस हम मोस्ट आइडियल मॉलिक्यूल को लेकर चल रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसका मतलब हर चीज ये नहीं है कि इस मॉलिक्यूल के अलावा हम किसी और मॉलिक्यूल से एनर्जी नहीं ले सकते लेकिन जो वेरी इजिएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज तो आए हम इस पर ग्लूकोज को ही लेकर चल रहे हैं अब जरा गए अबर से सुनिएगा सूरज बड़े पते पते की बातें होने वाली है आप लोगों के साथ ये है मेरे पास एक ग्लूकोज राइट अगर आप इसका फार्मूला आपको याद है बहुत मुश्किल फार्मूला यस बिल्कुल सही है ओ सिक्स आपने जिंदगी में कभी ये नाम नहीं सुना होगा ना सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है है ना स्टूडेंट्स तो हम इस ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अब इस ग्लूकोज को उसको मैं देखूं तो इसमें कितने कार्बन आइटम है सिक्स कार्बन आइटम पहला स्टेप क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल को तीन तीन कार्बन एटम्स के दो मॉलिक्यूल में डिवाइड कर लूं यानी कि आप यू समझिए कि मैंने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से ये दो मॉलिक्यूल बना लिया और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सेम है और कहते हैं कि हम लोग इसे इसे स्टूडेंट्स एसिड एसिड क्या हम बनाते दो मॉलिक्यूल्स बना रहे इसी ये दो एरोस लगा दिए ताकि आप भूले नहीं वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल गिव राइज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुबेट और पायरुबिक एसिड अब इसका फॉर्मूला क्या है सी थ्री एज फोर ओ थ्री राइट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वट पैरुवेट अब ये जो मेरे पास पैरूवेट है बात को आपने सुन तो से बहुत गौर से सुना है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स हैं वट एवर द फॉर्म ऑफ लाइफ में भी उन सब में अगर सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है तो उन सब में ये स्टेप तो होना ही होना है कि हमने एक सिक्स कार्बन कंपाउंड को सीरीज ऑफ रिएक्शन में से पास करने के बाद इवेंचुअली किस में कन्वर्ट कर लिया है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में कन्वर्ट कर लिया ये सब में होना है और देखिए क्या मैंने यहां कहीं अक्सर इस्तेमाल की है तो आंसर इज नो इसका मतलब है कि ये वाला रिएक्शन ये वाला पार्ट कैसा है एन एरोबिक बात को आप जिस तरह गौर से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूँ हम अपने आप को मेटाबॉलिकली बहुत एडवांस समझते हैं जाहिर हम हैं भी यू के जॉर्स हम हैं भी मॉडर्न एवोल्यूशन में हम बहुत ऐसे पे में बट स्टिल हमारी रेस्पायरेशन का पहला पार्ट कैसा है एन एरोबिक तमाम ऑर्गेनिज्म की रेस्पायरेशन का पहला पार्ट कैसा है एन एरोबिक राइट ये बन गया मेरे पास एरोबिक अब ये जो पायरोबेट है इसके आगे प्रोसेसेस हो सकते हैं एरोबिक या फिर आए हम अंडरस्टैंड तो करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले चलते हैं सबसे पहले आसान पाथवे पे उसका नाम क्या है एरोबिक। अगर मैं इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बात करूंगा तो रेस्परेशन कहलाइए क्या एरोबिक इसको हम लोग डाल देंगे स्टूडेंट्स का हाँ। इस कंपाउंड को हम डाल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में

तो इवेंचुअली मेरे पास तीन चीजें ऑप्टेन होंगी नंबर वन नंबर वन इज वॉटर नंबर टू इज सी ओ टू राइट और नंबर थ्री मेरी इस वक्त की सबसे अच्छी फ्रेंड दैट इज एनर्जी इसीलिए मैं इसको ब्लू से लेकर राइट right? तो ये है मेरे पास सिराते मुस्तकीम सीधा सीधा रास्ता आपकी बुक में इसको बिल्कुल स्ट्रेट वे में दिखाया गया ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले मेरे सेल्स में पायरुविक में और फिर हम उस एसिड को डाल देते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया में और माइट्रोकॉन्ड्रिया उसको किस प्रोसेस से गुजारता है प्रोसेस से और प्रोड्यूस होता है मेरे पास सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहा यहाँ ये यह बातें आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स ठीक है अब हम चलते हैं दूसरे रेस्परेटरी मॉड की तरफ और उसका नाम मेरे पास क्या है एन एरोबिक एरोबिक एन रेस्पायरेशन अब जो एन एरोबिक रेस्पायरेशन है हम बायोलॉजी के लोग इसे आम फहम जबान में फर्मेंटेशन भी कह देते हैं हालांकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एदिक रेस्पिरेशन एन फर्मेंटेशन वेरी टेक्निकली बाहर हम इसको ऐसे डील कर रहे अभी जो फर्मेंटेशन है ये फर्दर दो तरह की हो सकती है, राइट right? उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड एंड एरोन वी कॉल इट एज बिकॉज के इस वाले केस में हम इस पायबिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं इंटू लैक्टिक एसिड ठीक है फॉर्मोला लिखते हैं यू नो वेरी वेल कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारे पिस का C3H4O3 इट वाज अ फार्मूला ऑफ व्हाट अरुविक एसिड जब मैं इस पर्टिकुलर अरुविक एसिड के साथ एक किसको मिलाऊंगा स्टूडेंट्स Na NADH2 को मिलाऊंगा तो वो यहां से क्या बन के निकलेगा NAD सवाल ये है कि ये दो हाइड्रोजन किसके पास चले गए तो आंसर इज इसके पास और ये हो गया रिड्यूस और अब ये कन्वर्ट हो गया एक और कंपाउंड में जिसका फॉर्मूला कहता है अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन कब होगा और कहां होगा आंसर इज इट विल टेक्स प्लेस इन ये आमतौर पर यूक्स में होगा और कब होगा स्टूडेंट्स वेन इज एन ऑक्सीजन डेट जब मेरे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम मेरे मसल को चाहिए थी ऑक्सीजन हंड्रेड और मुझे मिल रही है से सिक्सटी तो देर इज 40 राइट मॉलिक्यूल्स इन द मसल्स तो, 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 तो कैसी हो जाती है स्टूडेंट मेरे मसल्स में एन एरोबिक तो जो ही कंडीशंस एन एरोबिक होंगी तो मेरा मसल एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़ के क्या करना शुरू कर देगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिजल्ट में प्रोड्यूस होगी C3H6O3 दैट इज लैक्टिक एसिड एंड यू नो दिस पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड इज द नीड ऑफ टाइम बिकॉज़ कि ये बता रहा है लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा हो गए कि अब इनकी

एफ ए टी आई जी यू मसल और अब हम चलते हैं थर्ड किस्म की की तरफ जिसे हम नाम कहते है 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 है, हैं फॉर्मेटेशन बिकॉज के इस प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है सी टू एच फाइव ओ एच दैट इज बेसिकली एन अल्कोहल राइट और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा हमें क्वेश्चन नहीं पड़ेगी वो बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है वी विल मूव बैक टू व्हाट पाइरुविक एसिड और फॉर्मूला ऑफ पाइरुविक एसिड वाज C3H4O3 राइट right? अब जब ये वाला पाइरुविक एसिड हमारे सेल में नहीं किसी बैक्टीरिया की बॉडी में जो एन एरोबिकली एन एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं

इन डी प्रेजेंस ऑफ सेम टू और क्या करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे किस में सी टू एच फाइव ओ एच अब इसमें आपने एक बात और जो सबसे अहम है वो याद रखनी है वो क्या है कि यहां प्रोड्यूस होती है सीओ टू और ये वाली सीओ टू कहा से आई है डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस है ये वाली सीओ टू कहा इस्तेमाल होती है डेफिनेटली इन बेकिंग ये बेकिंग में इस्तेमाल होती है और बेकिंग की जो सबसे ज्यादा दुनिया में नजर आती है हम लोगों को वो है इन मेकिंग है। है? आपको पता है सांचे तो में मैं सिर्फ इतनी सी डो डालता हूँ इतनी सी राइट ये मैंने डो डाली हुई है और इसके अंदर मैंने कर दिया है एनारोबिक कर दी है यू नो वेरी वेल कि इस कोर्स में क्या प्रोड्यूस हो रही है तो ये वाली सीओ क्या करेगी वो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाएगी और इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इट विल ग्रेजुअली एलिवेट दिस लेवल ऑफ डू सम टाइम यू नो के इट कम्स आउट अगर आपने देखा हो तो डबल रोटी का जो ऊपर वाला पीस होता है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है उसकी रीजन यही है कि वो डबल रोटी के सांचे से भी बाहर निकल गया फैल गया तो जितनी ज्यादा आप लोगों के दो में सी टू प्रोड्यूस होगी उतनी ही दूसरी टाइप जैसे हम क्या बोलते हैं इसमें हम मुसलमान ज्यादा आमतौर पर इस इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ऑफकोर्स ब्रेड एंड अदर थिंग्स लेकिन जो वाइन है उसने में उसके